मिलते हैं। उनका यूट्यूबर नेम है आपका एंकी जैसी ब्लॉग। Hey guys, what's up? 11 में MS धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था, तब यहीं आके अपने उन्होंने बाल को हटाकर देवी माँ को अर्पण किया था। तो आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल राइड अप विशाल में। तो आगे का अपडेट आपको मिलते रहेगा, वीडियो में बने रहें। सो हम आज निकल पड़े हैं। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया निकलने में, 12:30 बजे स्टार्ट देने का टाइम था 11 बजे, लेकिन और लेट हुआ। सो आज का जो डे वन राइड है वो आपका देवरी टेम्पल एंड सन टेम्पल का है, क्योंकि हम लेट निकले हैं तो शायद ही दशम फॉल हम दिखा पाएँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा दशम फॉल दिखाने की। सो आप अभी अपने एसएन यादव होते हुए लालपुर जाएंगे। आप देख सकते हैं एक राइट हैंड साइड में कॉर्नर है, चाइनीज़ कॉर्नर, ये अपनी ही दुकान है। यहाँ पर आएँ, चाइनीज़ खाएँ, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा बनवाते हैं यहाँ पर चाइनीज़। सो चलिए देखते हैं क्या टाइम लगता है देवरी जाने में। अराउंड 50 किलोमीटर है मेरे घर से, देखते हैं क्या टाइम लगता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में माँ रामप्यारी हॉस्पिटल है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक मैं तो मैंने बचा लिया, वरना अभी एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। ये लालपुर है, यहाँ से अपने डमरा टोली और जाएंगे, डमरा टोली चौक, वहाँ से पेट्रोल भी फिल करना है अपने। आप आगे जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, पेंटालून से, पेंटालून में अपना एक भाई भी है, अगर आपको कुछ शॉपिंग करना हो तो कमेंट में बता सकते हो, कुछ डिस्काउंट भी मिल ही जाएगा। सो रिजर्व में पेट्रोल होने के बाद हमें पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल एकदम नहीं है। चलिए पेट्रोल फिल। ऐसा नॉर्मल वाला नहीं है क्या एक्स्ट्रा? दे दीजिए 500। 500 नहीं है। अरे पूरा पेट्रोल पंप में नॉर्मल नहीं मिलता है? नहीं, खत्म हो गया, हम लोग को गाड़ी दिया है, काम में आएगा। 500 500 पेट्रोल तो हमने भरवा लिया है, अब निकलते हैं देवरी की ओर। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल तो मिला नहीं, हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम ही लेना पड़ा। जाम है बहुत, बस खड़ी है यहाँ पे पता नहीं क्यों। सो अब हम जा रहे हैं टाटा रोड की ओर। यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो आपको पुरुलिया आता है, और अगर लेफ्ट ले लेते हो तो आपको टाटा रोड मिल जाएगा, जो कि आपको जमशेदपुर ले जाएगा। देवरी टाटा रोड के ऊपर ही पड़ता है। आप ऊपर देख सकते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखो, आपको यहाँ सब पता चल जाएगा कौन के क्या कितना किलो। व्यू देखिए भाई साहब, क्या व्यू है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ भाई। एक बात बोलना पड़ेगा, मैं पता नहीं आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये जो रांची के रोड है ना भाई साहब, मक्खन है, पूरा मक्खन, मतलब नया बना है, पता नहीं, मैं एक साल पहले भी आया था, रोड वैसे के वैसे ही है, कलकत्ता के जैसे रोड नहीं है। ये देखिए आ गया राइट हैंड साइड में आपका व्यू, देखिए भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, मस्त व्यू है। आगे भी पहाड़, राइट दाएं भी पहाड़, बाएं भी पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। सो अब हम देवरी निकलते हैं। रांची जाते वक्त, देवरी जाते वक्त हमें ये व्यू मिला, ये एक जंगल है मेरे ख्याल से, जो बहुत ही सुंदर है। राइट साइड में पहाड़ आपको दिख जाएंगे। ये एक टोल आया है, पहला टोल, पता नहीं मुझे टोल का नाम क्या है, लेकिन पहला टोल है ये। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये एक ट्रक ने पोल को मार, गैल भैंसिया पानी में हो, ट्रक पोल से लड़ गया, देखिए आप, मार दिया ट्रक, साला पिया हुआ था लग रहा है। चलिए ये पहला टोल हम क्रॉस करते हैं,
ये देवरी 5 किलोमीटर बचा हुआ और दिखा रहा है मैप में। ये बाइक तो हमारे साथ लालपुर से ऐसा है, देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे है देवरी। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है रांची का। जब 2011 में MS धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था तब यहीं आके अपने उन्होंने बाल को कटा कर देवरी माँ को अर्पण किया था। से जाने वाले हैं सन टेंपल, देखते हैं कितना लगता है यहाँ से सन। वो आगे का अपडेट आपको मिलते रहेगा, वीडियो में बने रहें। चलिए अब सन टेंपल चलते हैं। सो आपको बुंडू से लेफ्ट लेना होगा, सन टेंपल का गेट आपने देख ही चुका है पहले। ये रास्ता आपको एकदम सन टेंपल ले जाएगा। ये देखिए ये बाहर का व्यू है सन टेंपल का, बहुत ही अदृश्य व्यू है, बहुत ही सुंदर। सब निकल चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ शादी के नियम हो रहे हैं, यहाँ पे शादी पैसे ही होते हैं। अब हम सन टेंपल से निकलते हैं। सो सन टेंपल से निकलते वक्त ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक होटल मिलेगा आपको, इस होटल का नाम सुनते ही आपको सुसु आ जाएगा। होटल का नाम क्या है पता है? नुन्नू होटल। चलिए अब घर चलते हैं। घर जाते वक्त हमें बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है और यहाँ का जो सनसेट है ना भाई साहब, ये सनसेट देखना बनता है।